तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी आज की टेक न्यूज में, और मैं आपका होस्ट सचिन भट्ट। दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी टेक न्यूज है और दोस्तों काफी ज्यादा शॉकिंग टेक न्यूज है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करें स्टैट्स की, तो दोस्तों क्वार्टर वन के दोस्तों स्टैट्स सामने आए और दोस्तों वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग फोन जो था क्वार्टर वन का 2020 का दोस्तों वो था सैमसंग गैलेक्सी A51, जो कि दोस्तों काफी अच्छा स्मार्टफोन है। और दोस्तों फिर दूसरे नंबर पे था रेडमी 8, तीसरे नंबर पे दोस्तों सैमसंग फिर से था सैमसंग गैलेक्सी 20, और दोस्तों चौथे नंबर पे था दोस्तों उनका सैमसंग गैलेक्सी A10, और दोस्तों पांचवें नंबर पे था दोस्तों रेडमी नोट 8। दोस्तों ये सारे फोन क्वार्टर वन के आपको टॉप बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली टेक न्यूज के साथ। दोस्तों वीवो का एक दोस्तों मिस्टीरियस स्मार्टफोन दोस्तों गीकबेंच पे लिस्ट हो चुका है और दोस्तों काफी अच्छे इसके स्कोर आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। और ये बताया जा रहा है कि दोस्तों ये होने वाला है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर पे। अगर दोस्तों आपको इस प्रोसेसर के बारे में नहीं पता था दोस्तों, मैं आई कार्ड में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो दोस्तों वीडियो को जरूर से चेक करिएगा। तो दोस्तों इस टेक न्यूज खत्म होने के बाद दोस्तों ऑनर की तरफ से काफी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। इनके दोस्त नए 5G स्मार्टफोन आने वाले Honor X10 और दोस्तों Honor X10 Pro। दोस्तों जो Honor X10 होगा उसमें आपको पॉपअप कैमरा देखने के लिए मिलेगा, और दोस्तों जो Honor X10 Pro होगा उसमें आपको टेलीस्कोपिक कैमरा देखने के लिए मिलेगा। बात करें दोस्तों इन दोनों की मेन कैमरा की, तो आपको 40 मेगापिक्सल का दोस्तों सिनेमैटिक कैमरा देखने के लिए मिलता है दोस्तों। काफी अच्छे स्पेक्स है दोस्तों, साथ में आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने के लिए मिलेगी, 90Hz रिफ्रेश रेट पर स्क्रीन का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, और दोस्तों काफी अच्छी इनकी प्राइसिंग होने वाली है। ऐसे आपको Honor 9X Pro इंडिया में देखने के लिए मिलता है, चाइना में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले, और दोस्तों उसके बाद इंडिया में भी ये बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो दोस्तों क्या आप एक्साइटेड Honor के फोन के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली टेक न्यूज की तरफ, और दोस्तों रियलमी की तरफ से भी दोस्तों आज काफी ज्यादा अच्छी खबर आ रही है कि दोस्तों रियलमी ने अपने 2 साल के पूरे टाइम में दोस्तों जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो उनका दोस्तों यूजर है उसका स्टैट बताया दोस्तों। उनके बताया जा रहा है 3.1 करोड़ दोस्तों 2 साल में इन्होंने यूजर अचीव कर लिए, जो कि दोस्तों एक नई कंपनी के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। और साथ में ही दोस्तों इनके जो टोटल 2.1 करोड़ यूजर दोस्तों इंडिया में, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात है। तो दोस्तों कैसी लगी आप रियलमी की खबर, और दोस्तों क्या आपके पास रियलमी का फोन है, आप हमें कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। दोस्तों रियलमी बड्स नियो दोस्तों जो कि अफोर्डेबल रियलमी बड्स होने वाले, जैसे कि आपको 4000 वाले देखने के लिए मिलते हैं, पर दोस्तों ये आपको सस्ते देखने के लिए मिलेंगे 2000-1500 के बीच तक के। और दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि आपको इसमें टाइप सी पोर्ट और साथ में दोस्तों 13mm का ड्राइवर देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों काफी बड़ा है और काफी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज में जब ये आएगा। साथ में आपको ब्लूटूथ 5 देखने के लिए मिलेगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, और साथ में दोस्तों आपको गेम मोड देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात। और साथ में जो बताया जा रहा है दोस्तों जो इसका ड्राइवर होने वाला है वो आपको काफी ज्यादा अच्छा बेस और काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों क्या आप एक्साइटेड है Realme Buds Neo के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली टेक न्यूज की तरफ। तो दोस्तों Realme ने अपने वॉच का दोस्तों ट्विटर पे आज टीजर डाल दिया है, और दोस्तों उसमें आ रहा है कि Realme वॉच कमिंग सून दोस्तों, बहुत जल्दी अपने वॉच को दोस्तों लॉन्च करने वाले। अगर दोस्तों आपको Realme वॉच के बारे में सारी जानकारी जाननी है, तो दोस्तों आई कार्ड में आपको यहाँ पे बटन दे दूंगा, मैंने पहले वीडियो बनाई थी Realme वॉच पे, आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, आपको सारे स्पेक्स और दोस्तों सारी डिटेल्स Realme वॉच के बारे में पता चल जाएगी। तो दोस्तों इसके साथ आज की टेक न्यूज यही खत्म होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ऑल कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड करते मिल जाए, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड टेक केयर।